Welcome, my dear friend. For today's numerical is, we have to prove that, we have to prove something here, and that something is that, prove A bar BC plus AB bar C plus ABC bar plus ABC is equals to AB plus BC plus CA. Now, this numerical is quite critical. Now, how is this critical? We can't solve this one, we can't solve this one because there is no common factor term right now. So, क्या करते हैं कि पहली तीन टर्म तो इसको एज इट इज लिखते हैं, बचा वो जो ए बी सी है वो मुझे बताइए कि अगर इक्वेशन में एक ए है, ये तीन ए है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो एक ए है या तीन ए है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो ये कंसेप्ट ख्याल में रख के एक ए बी सी रहा या उसकी जगह पे तीन ए बी सी भी रहे तो भी ए बी सी एक ही है, क्लियर। तो वो कंसेप्ट ख्याल में रख के इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसको यहाँ पे मैंने ये टर्म लिख ली, ए बार बी सी ए बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। अभी देखिए यहाँ पे जो ए बी सी है ये एक ही बार है, तो मैं इसको दो बार लिख सकता, सो दैट मैं क्या करता हूँ ए बी सी प्लस ए बी सी। अब ये मीनिंग दोनों का मीनिंग सेम है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, सिंपली ये जो टर्म है ना इसको प्रॉपरली अरेंज करते हैं। प्रॉपरली अरेंज कैसा, पहली टर्म है ए बार बी सी, उसके बाद मैं लिखता हूँ ए बी सी, दूसरी टर्म है ए वी बार सी, उसके बाद भी लिखता हूँ मैं ए बी सी, तीसरी टर्म है ए बी सी बार, उसके बाद भी लिखता हूँ मैं ए बी सी। अभी ये लिखने के बाद दो दो एडजेसेंट पेयर में से क्या क्या कॉमन निकलता है, देखिए अगर मैंने यहाँ से बी सी कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचता है, ए प्लस ए बार। अगर इन दोनों में से मैंने ए सी कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचता है, बी प्लस बी बार। ये दो टर्म में से अगर मैंने ए बी कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचता है, सी बार प्लस सी, करेक्ट। तो ए प्लस ए बार कैंसिल, बी प्लस बी बार कैंसिल, सी प्लस सी बार कैंसिल, तो व्हाट इज रिमेनिंग, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये नथिंग बट योर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस, क्लियर। हेंस इट इज प्रूव दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दैट्स इट। ओके, विल ट्राई टू सॉल्व अनदर न्यूमेरिकल सो दैट योर कॉन्सेप्ट इज गेट विल गेट वेरी क्लियर। What is the numerical? Yes, it is quite simple numerical. Okay, before solving it, we will try to solve another numerical. Take another numerical. Numerical was very simple. Solve the given equation or reduce the given equation, y is equals to a b plus a c bar plus b c. This is again tricky numerical. Numericals में दिया है y is equals to a b plus a c bar plus b c.
ऑब्जर्व हो रहे कि तीन वेरिएबल का इक्वेशन है ए बी सी, बट हर एक टर्म में से दो दो वेरिएबल, ये एक टर्म मिसिंग है, यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे बी मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है, तो इसको अपने को प्रॉपर फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, बाद में रिड्यूस होता है तो रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन। अभी देखिए वैसे दूसरा तरीका कुछ भी नहीं है इसको रिड्यूस करने का, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सी मिसिंग है तो सी प्लस सी बार, यहाँ पे बी मिसिंग है तो बी प्लस बी बार, यहाँ पे ए मिसिंग है तो ए प्लस ए बार। देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सॉल्व करते समय, ए बी इंटू सी प्लस सी बार प्लस ए सी बार बी प्लस बी बार प्लस बी सी ए प्लस ए बार, क्लियर, वेरी सिंपल। ये कंप्लीट होने के बाद जस्ट ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को डायरेक्टली ओपन कर देंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ए बी सी कितने बार है, एक ए बी सी दूसरा ए बी सी, दो ए बी सी है, तो दोनों की जगह पे सिंपली एक ही ए बी सी आएगा, और कौन सी टर्म कॉमन है, एक ए बी सी हो गया दूसरा ये ए बी सी हो गया, तो इसको लिखते समय क्या लिख सकते हैं, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी। अभी और चीज़ ऑब्जर्वरी कि यहाँ पे सर ए बी सी बार ये एक टर्म है, तो दोनों में मिला के एक ही टर्म बना देंगे उसको, तो फाइव इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी, दिस इज योर रिड्यूस इक्वेशन, ठीक है। इन दैट वे वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल वेरी इजीली, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अनदर न्यूमेरिकल।